सो गाइस हॉस्पिटल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम अपनी वाइफ से मैं पूछता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस, मतलब कैसा डर लग रहा है या फिर क्या हो रहा है, बताओ। डर लग रहा है। पकड़ो ये, बताओ क्या क्या हो रहा है आपको अमन में? घबराहट हो रही है। किस चीज की? पता नहीं। एक्साइटमेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राधि व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग काफी, मतलब एक एक्साइटमेंट भी है, मतलब सीरियसनेस भी है, तो समझ नहीं आ रही कि कैसे एक्सप्रेस करूं मैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि मेरी वाइफ को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है और ड्यू डेट भी बहुत पास है, मतलब 10 को ड्यू डेट है, तो मतलब आज 29 है, तो मतलब काफ़ी आसपास चल रहा है सब कुछ, तो मतलब कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उसको पेन भी हो रही है, तो हमें रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब वहाँ जाके पता चलेगा कि डॉक्टर क्या बोलेगा, मे बी वो बोले कि अभी एडमिट हो जाओ, मे बी वो बोलो कि वैसे कोई दर्द है, ठीक है, तो जाके देखेंगे। वैसे ही वीडियो बनानी थी मैंने, तो आप लोग भी मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटेड, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जैसे हम एक्साइटेड हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी, मतलब ये क्या कहते उसको, मतलब शेयर किया जाए ये मूवमेंट। सो गाइस चलो फिर हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, अब बाकी वहाँ जाके देखते हैं। पागल आदमी, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहे हो, हट जाओ। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। हमरे से परिणीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन के है सच्ची तुम हो सितारों के परे हो। सो गाइस हॉस्पिटल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम अपनी वाइफ से मैं पूछता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस, मतलब कैसा डर लग रहा है या फिर क्या हो रहा है, बताओ। डर लग रहा है। पकड़ो ये, बताओ क्या क्या हो रहा है आपको अमन में? घबराहट हो रही है। किस चीज की? पता नहीं। एक्साइटमेंट? डर ज्यादा है। कहीं कहीं इस टाइम एक्साइटमेंट होगा कि बंदा डरेगा? डर ज्यादा है कि एक्साइटमेंट ज्यादा है? डर ज्यादा है। एक्साइटमेंट नहीं है? वो भी है बट इस टाइम तो नहीं है। हमरे से परिणीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन के है सच्ची तुम हो सितारों के परे हो। गलती सारे हमने गाया, तुम क्यों सुनिए किसकी मर्जी। जो थे अब तो आए जाओ, मेरी भी परवाह कर लिया कर। सो फाइनली पहुंच चुके हैं, दिल सबके धक धक कर रहे हैं। कितना धक धक कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। कितना दिल धक धक कर रहे हैं? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो इसको अभी टीका लगाया है। कहाँ पे लगाया टीका? इसकी कमर में टीका लगाया है। अभी अच्छी तरह बैठ पाएगी फिर जाके। थोड़ी सी दवाई दी है गाइस और टीका लगाया है बस। अब ज़्यादा नहीं, 7-8 days सब वेट करो गाइस, हम भी बहुत वेट कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है, बाकी बात घर जाके करते हैं। ओके गाइस, सो गाइस मेरी मम्मी ने पहली बार ऐसा आउटफिट पहना है, मेरी सिस्टर ने अभी अभी लेके दिया है मम्मा को, तो मम्मा ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं। और मम्मा कैसा लग रहा है आपको ये पहन के? मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर पहली बार पहनी हूँ, मेरे को थोड़ा सा शर्म सा आ रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? जवान हो गए? ऐसा लग रहा है मैं अभी कूड़ी हो गई हूँ। कूड़ी होगी हूँ? कूड़ी तो नहीं लग रहे हो, बूढ़ी जरूर लग रही होंगी। अब ऐसे खड़े हो गए दिखा, मॉडलिंग करके इधर मुंह करके, हाँ फिर शरीर भी इधर करो ना मम्मा, शरीर भी, हाँ अब चल के दिखाओ मॉडलिंग की तरह। तो गाइस कमेंट करके बताना जरूर कि मम्मा का ये आउटफिट कैसा लग रहा है और आपने क्या सोच के लेके दिया मम्मा को ये? क्योंकि पता नहीं। क्योंकि मम्मा व्लॉग बनाते रोज, इसलिए? नहीं, मम्मी को चाहिए था इसलिए। आपको कैसा लगा मम्मी का ये आउटफिट? बहुत अच्छा है मम्मी, लड़की लग रही। मम्मी आप लड़की लग रहे हो हैं? हां जी। अब ये गंदा सूट फेंक दो उधर। पापा, आपको मम्मी को ऐसे देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल है। फिर से प्यार हो गया पापा? हाँ बहुत ज्यादा है।
सो हेलो गाइस, ये देखो जो मम्मी ने अभी नाइट सूट पहना था वो मेरे को भी बिल्कुल जच रहा है। तो ये दो क्या कहते हैं, दो लोगों को हाँ, तो ये टू इन वन यूज हो सकता है गाइस। सच्ची कमेंट करके बताओ गाइस, जच रहा है कि नहीं। देखो ऐसे पता नहीं चल रहा लड़की का है। कुर्ता पजामा काला 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 यू मैं। अब मैं पांच छह और लेके आऊंगा जो मम्मी भी पहनेगी और मैं भी पहनूंगा, अलग अलग कलर के। मम्मा को भी गिफ्ट हो जाएगा और मेरे को भी। कमेंट करके बताओ जिसको चाहिए अभी ऑर्डर करो मेरे नाम पे। ये देखो गाइस, मैंने कहा कि व्लॉग बनाना, फटाफट लिपस्टिक ढूंढने लग गए। देखो ये देखो बहुत तेज, बहुत तेज बन रहे हो। चलो गाइस लिपस्टिक लगा दो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं टेक। कम ऑन। सो हेलो गाइस, तो हम वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। अब मतलब डर खत्म हो गया, सिर्फ एक्साइटमेंट रह गई है। तो बेबी थोड़ा थोड़ा नीचे पुश होता है तो इसलिए पेन होता है थोड़ा बहुत, इसलिए वही पेन था। और उसने टीका लगा दिया है। और क्या किया बताओ, क्या किया? टीका लगा दिया और मेडिसिन ली 5 डेज के लिए। उसके बाद पता नहीं क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, बच्चा होगा और क्या होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो चीज देखने के लिए कि इसकी भी वो बैंड बजाए। तो ये देखो जो उस दिन मैंने वॉलपेपर लगाया था पूरा लग चुका है। सारा टाइम अपने काम दिखाता रहता है, सिर्फ अपने गाना गाता रहता है ये, और इसका कोई काम नहीं है दुनिया। तो अभी हम यहाँ पे हम अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बेबी के बारे में बातें कर रहे हैं और ये नालायक के अपना ही बोल बोलता रहता है। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, अपनी ही यारी है हमारी। एक बार हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे डीसी पागल है, वैसा लगा। सो गाइस, मेरा हाथ दर्द होने लग गया, पकड़ना एक फोन। सो गाइस, आज हम डिसाइड कर रहे हैं कि बेबी का नाम हम क्या रखेंगे। लड़का हुआ तो क्या रखेंगे, लड़की हुई तो क्या रखेंगे। तो ये देखो इतने गंदे गंदे नाम बताओ। ये नाम मैंने नहीं सोचा, ये नाम हमारी मम्मी ने सोचा है जो मेरी सासू माँ है, ठीक है। और वो कहती है उनका बेटा दीपक है ना, उसके बेटे का नाम, तो वो पोते का नाम सोच रहे हैं दीपेंद्र। और लड़की हुई तो सोच रहे दीपा, जो इतना हम तो सोच सोच के बहुत ज्यादा घबरा रहे कि अगर हमने मम्मी की बात नहीं मानी तो क्या होगा। दीपा दीपेंद्र रख के ना वो चोटी बांध देंगे, दो तेल लगा देंगे वो सरसों का बहुत ज्यादा। नहीं, लड़का हुआ तो चंपक, लड़की हुई तो चंपा। सुन लिया चुका। ये तो सब मजाक था, मतलब इन रोज ऐसे मजाक चलते हैं कि यही नाम रखेंगे, बट हम नाम कुछ और रखेंगे। आप भी थोड़ा सजेस्ट करो जो मेरे माइंड में नाम है। मैंने लड़की का नाम सोचा है श्रेया और लड़के का नाम सोचा है सचिन। कितना बकवास नाम सोचा है। श्रेया अच्छा तो है? नहीं, श्रेया छेत्री। आपने क्या सोचा? मैंने नहीं सोचा, बट बहुत अच्छा सोचूंगी। मैंने सोच भी सोचा नहीं है, मैं दीपक से बिल्कुल अलग जाऊंगी, थोड़ा अच्छा ही सोचूंगी। ये देखो ये माँ का हाल देखो, बच्चे का नाम तक नहीं सोचा। लोग पैदा होने से पहले क्या, पेट में होने से पहले नाम सोच लेते हैं। मैं ऐसे नाम रखूंगी जो किसी का ना हो। उसका नाम होगा किसी का ना हो, यही होगा उसका एंड में नाम। सो गाइस, आप सच्ची बताओ श्रेया नाम अच्छा नहीं है? चलो सचिन इसलिए रखा है क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैंने सचिन नाम सोचा था। श्रेया नाम अच्छा है बट कॉमन है, बहुत कॉमन नाम होना चाहिए ऐसे क्या। या फिर मैं डी से ही नाम रखूं ताकि मेरे डी बच्चे से तो बिल्कुल नहीं। आप कमेंट करना, कमेंट करके बोला डी से तो बिल्कुल भी नाम नहीं होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि जो इसका नाम डी से होता है वो बहुत ही क्या बोल। एक डी मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब दूसरा नहीं कर सकती मैं। सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया ना, बस आपको जवाब मिल गया, अब इसका मुंह बंद कर दो। चलो गाइस, आप भी कमेंट करके बताओ क्या नाम रखना चाहिए, यूनिक और बिल्कुल ही, और सारे कमेंट करके बताओ। तो गाइस एक और आपको अपडेट देनी है कि मैं एक सॉन्ग गाने वाला हूँ, कवर सॉन्ग गाऊंगा, और वो कवर सॉन्ग में मैं अपनी लव स्टोरी बताऊंगा, जिसके फर्स्ट पार्ट में कोई और लड़की लूंगा बट वो इसी का रोल निभाएगी, और सेकंड पार्ट में ये होगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट ये नहीं कर सकती क्योंकि इसके मतलब अभी ये प्रेग्नेंट है, तो मतलब इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा शूट करना। तो आफ्टर बेबी सेकेंड पार्ट आएगा, पहले फर्स्ट पार्ट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आने वाला है उसके लिए प्लीज सॉन्ग मुझको नीचे बताओ कि मैं कौन सा सॉन्ग गाऊं,
और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, ये वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर पर इसको बोलो कि फर्स्ट पार्ट में किसी और को मत लिए, ताकि ये इसका वेट कर सकता है थोड़ा सा। तो ये ना इसके अंदर से लड्डू फूट रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में कोई और लड़की मिल जाए, इसी बहाने से ये बहाना ढूंढ रहा है। तो आप प्लीज अभी इसको मना कर देना, कोई सॉन्ग मत चूज करना, और इसको तो बस बहाने चाहिए दूसरी दूसरी लड़कियों को लेने के लिए, क्योंकि इसके सामने तो ये ले नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये थोड़ा वो बहाने ढूंढ रहा है, तो आप इसकी हेल्प मत करना, ठीक है। और फर्स्ट में यही आएगी तो सेकंड में भी यही आएगी, कोई और लड़की की कोई एंट्री नहीं। अगर वो लड़की की एंट्री हुई तो ये फिसल जाएगा। मैं क्यों फिसलूंगा भाई, मैं इतना फिसलू नहीं हूं। लड़कों का वैसे भरोसा नहीं है। तो गाइस फर्स्ट पार्ट में कोई और लड़की होगी तो थोड़ा एक्साइटमेंट होगी, वीडियो भी अच्छी बनेगी। नहीं नहीं, फर्स्ट और मैं जल्दी ऑडियंस को जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है। अभी एक साल वेट, चलो गाइस आप कमेंट करो आपको एक साल वेट करना है। एक साल नहीं, फोर मंथ। चलो ठीक है, फोर मंथ वेट करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, या फिर उससे पहले जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर आप प्लीज गाइस हमारे, और लड़की बहुत सुंदर लूंगा फर्स्ट पार्ट में। लड़को लड़को कमेंट कर दो, फोर्थ से आना चाहते हो, सेकंड में आना चाहती हो? मैं किसी में भी नहीं आना चाहती। ये कितनी नाराज गई, कहते किसी में भी नहीं आना चाहती। ऐसे करो देवर जी, आप कुछ अच्छी ले ही लो फर्स्ट एंड सेकंड में, न्यू लव स्टोरी बना लो। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि फिर न्यू लव स्टोरी बनाऊं। अगर आप कोई मॉडल जो मॉडलिंग करते हो, आप अगर कोई हो तो नीचे कमेंट करो, मुझको इंस्टाग्राम में डीएम करो, क्योंकि आई एम रेडी फॉर मिंगल। अरे हैवी सर सिंगल, क्योंकि प्रेग्नेंट है वाइफ। वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि आज का टॉपिक हो चुका है खत्म। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करो और बताओ मैं नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाऊं। तो आपका एक एक कमेंट गाइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी वीडियो तो देख ली होगी अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, तो इसीलिए आप नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर जरूर करना। कमेंट करो कि इसका बेड़ा पार हो जाए, हमें दुखी किया हुआ है। शेयर जरूर करो। ब्लॉग बना के लिए बिठाता है, लिपस्टिक लगवाता है और कपड़े पहनवाता है, और उसको देखो इतने बड़े पेट से वो बेचारी वो भी ब्लॉग बनाने आ जाती है, और हम थके होते हैं। तो सब कह रहे थे कि मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वाइफ कहाँ है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरी वाइफ अभी अभी आई है, गई हुई थी। तो येरी इस व्लॉग में मेरी वाइफ देख, नहीं हो गया आए हुए, चार दिन हो गए आए हुए, तो वीडियो तो अब बना रहा हूँ। क्या करें मम्मा, लोगों को हंसाना भी तो पड़ता है। अच्छा चलो, ओके गाइस बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।